अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, चनन गुट्टा बाबा नगर चौराहे पर मुसलसिल आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जीएचएमसी की लापरवाही देखने को मिल रही है, जहाँ पर काम के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे खोद कर रखे हैं और थोड़ा सा काम करके यहाँ से चले गए हैं। ये बात समझ में आती है कि इलेक्शन था, लेकिन इलेक्शन से कई महीने पहले से ये काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा है और आज आवाम परेशान है। क्राइम टुडे से बात करते हुए यहाँ के लोगों ने ये सारे तफसीलात बताई। तकी रहमान के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ये गड़ा दिख रहा है, ये 6 महीने हो गया सब गड़ा खोद के, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। 6 महीने से तुम्हारा बेचारे कारोबार वाले इतना परेशान है, जेब से किराया भर के, एक तो लॉकडाउन, ऊपर से तुम्हारा कोरोना का जो प्रॉब्लम चल रहा लॉकडाउन होके, वो बेचारे इतने परेशान, उसमें ऊपर से ये गड़ा खोद दिया। सारे कारोबार 25 से 30 दुकानें हैं, सारों का कारोबार बंद हो गए। जो चलना था, जो 1500 रुपये वो चलता था, वो भी बंद हो गया हम लोगों का। अब बेचारे गुजारा करें तो किस तरह से करें, कब तक जेब से ला के भरेंगे हम लोग। तुम्हारा 10-10, 15-15 का वर्कर काम करते हैं उनके पास, लेबर काम करता है इनके पास, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। जीएचएमसी को बोले, आपका तुम्हारा पुलिस कमिश्नर को बोले, ट्रैफिक कमिश्नर को बोले, सरकार को बोले, सबको बोले, कोई सब आते देखते चले जाते, कोई एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार, कौन एक्शन लेगा? आपका 1500 से 1600 पीछे एक गली और ये गली, दोनों घर हैं, वो वहाँ के बेचारे कईयों ज़ईफ लोग हैं, पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट है, वो दुनिया के तुम्हारा पेशेंट्स है, कोरोना के पेशेंट्स है। पीछे तुम्हारा क्या गैस की एजेंसी है, वो आपका ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का, उसके लिए जगह नहीं है जाने के वास्ते, सारा घूम घूम के इधर उधर से फिर के लोग आ रहे हैं। एरिया कॉर्पोरेटर साहब को 10 बार बुला के बात करें, उन्होंने बोले कि भाई आपका इलेक्शन से पहले करा देता हूँ, बोले उसके बाद में इलेक्शन है, मैं गड़बड़ में हूँ, मैं नहीं आता, बोले उसके बाद में इलेक्शन तुम्हारा जो ही रिजल्ट होते साथ ही दूसरे दिन कराता हूँ, बोले रिजल्ट हो गया, सुबह आ गया, जीत गए, कर गए, खामोश। फिर जैसा ही जैसा था पुराना वैसा ही है। अभी अब एक तुम्हारा परसों 2 दिन पहले तुम्हारा था, एक साहब के पैर टूट गया, गाड़ी चढ़ गई आंख के ऊपर उनके, एक्टिवा पे थे बेचारे ज़ईफ आदमी, तो ट्रैफिक जाम हो गई भी, एक के पर ट्रैफिक जाम हो गया। अब देखिए, जो ही ऑफिस ओपन होते हैं 5-6 बजे के टाइम पे, जब ऑफिस का टाइम खत्म होता है तो सारे DRDL के उधर के जो ट्रैफिक निकलती है, वो आपका सारा मजमा इतना जमा हो जाता है कि भाई आपका एक के पीछे गाड़ी लगी हुई थी। वो उस तरफ से एक लेडीज भी गिर गए बेचारे, या गड़े में 2 आदमी गिरे, ये बेचारे होटल वाले सीढ़ी लगा के उनको ऊपर निकाले। ये कोई सिटी है, हैदराबाद सिटी का ये है हालत। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। खाली तुम्हारा बात करने के वास्ते बहुत जने आते हैं। और तुम्हारा क्या बोलते थे भाई, आपका बड़े बड़े लीडर भी है, MP साहब है, MLA साहब है, मिनिस्टर साहब है, सब यहाँ से गुजर रहे, मगर सब गड़े को देख लेते जा रहे, मगर तुम्हारा उसका हल कोई नहीं निकाल रहा। आखिर है क्या मसला है इसका? फुट ओवर ब्रिज बोल के बोले कि भाई आपका उसकी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, एक से लेकर 4 ब्रिजों का उसको एक कंट्रैक्टर को दे दिया। अब उन्हें हर जगह गड़ा खोदरा चला जा रहा, गड़ा खोदरा चला जा रहा। अशोक है। मैं हाफिज बाबा नगर चौरस्ते से बात कर रहा हूँ सर। पीछे गली में मेरा मकान है, यहाँ पे सामने गली पूरी बंद कर दी है, गड़ा खोद के 5-6 महीने हो गया। जब से जो है सो रस्ते को आप करते हैं, जब करते कोई आ रहा नहीं, कोई बल्दिया का आदमी नहीं आ रहा, कोई भी आगे झगड़ा कर रहा नहीं।
घरों में पेशेंट ना निकल जा रही, ले जाने तकलीफ हो रही, रात का टाइम ऑटो नहीं आ रहा, ऑटो नहीं मिल रहा यहाँ पे हमको, पहले ऑटो ठहरते थे यहाँ पे, ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा, हमको ढूंढना पड़ रहा ऑटो के लिए, हम बहुत परेशान हाल से भी परसों ऑटो लेकर आए, उन्हें बोला एक रास्ता बंद है, मैं नहीं आता हूँ बोल के ऑटो वाले चले आ रहे वापस पीछे कर लिया, अभी से रास्ते बंद है बोल के बोल रहे हैं, हमारे को परेशान घर में पेशेंट था, हम वापस लेके जा हॉस्पिटल ले आ नहीं सके, हम बहुत परेशानी से हमको ले आना पड़ा था, ये कब का हुआ है काम, ये 5-6 या 6 महीने हो गया, उसको एक गुत्तेदार आए तो वो आजू बाजू वाले दुकान वाले छापा वाले पूछे उससे, और होटल वाले साहब भी पूछे, SBI बैंक ब्रांच भी है, उन्होंने भी पूछे तो बोले कि भाई आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अरे कब आते भाई, कब आके काम को बंद करेंगे, ये हम इतना तकलीफ में पड़े हमारा, रक्षा वाला भी काम है, अंधकार पड़ी हुई है, रक्षा बंद कर चले गया उन्हें, वो वर्कशॉप भी नहीं खोला गया तो रास्ता बंद है, मैं क्या करूँ आगे बोल रहा हूँ उन्हें भी, हम क्या करेंगे साहब इसके लिए बताइए, कोई डिमांड नहीं करे हम, कुछ सिर्फ रास्ता चालू करके जो बोल रहे हैं दूसरा कुछ भी नहीं, गड़ा बंद करिए, रोड की हालत देखिए, ट्रैफिक जाम हो जा रही है, ऑटो का आसान था हमारी बस्ती के लिए, ऑटो रिक्शा भी ढड़ सक रहा है यहाँ पे, ट्रैफिक वाले आके कुछ फोटो ले रहे हैं, वहाँ भी चले आ रहे हैं रास्ता छोड़ा होने की वजह से, तो रोड बंद है, ट्रैफिक जाम हुआ था यहाँ पे, और जो हमारे परसों घर में पेशेंट था, मुश्किलों से ले आना पड़ा हमको, डिलीवरी केस था घर में, ऐसे टाइम पे हमको यहाँ पे कुछ भी क्यों क्या है नहीं मालूम, गुत्तेदार को हम बात करते, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, हाँ भाई आ रहा हूँ, हमको क्या किया हो गया, ये 2 महीने से बोल रहे हैं, इससे पहले आए वो मट्ठी गड़ा के चले गए, दूसरा कोई आके वो मट्ठी बाहर की मट्ठी अंदर कर दी, ट्रैफिक वाले आके वो रोड ट्राफिक नहीं हो रहा बोल के, वो लोग तो आ रहे ही ना कुछ देख रहे हैं उसके लिए, ये रास्ता चालू होना है, गड़ा बंद करना पहले, ये पब्लिक डिवाइडर पब्लिक ब्रिज बनाने के लिए, पब्लिक रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाने बोल रहे हैं, सामने भी खोदना है बोल रहा हूँ उन्हें, वहाँ की मट्ठी ला के यहाँ डाल दो बोल रहा हूँ, बात करे तो फिर आ रहा ना जा रहा हूँ उन्हें, हमको बस्ती वालों को बहुत तकलीफ हो रही इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मेरी शालीमार होटल का ओनर हूँ मैं, 5 से 6 महीने हो गए सामने खोद के दाल डाले, तो मैं चूप बार बार बोल रहा हूँ तो हवा आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं बोल रहे हैं, ये बाजू गली है, गली से पेशेंट आए हैं कोई, यहाँ से नहीं निकल सकते, बाजू गली है, अब ये पूरा देख सकते हैं कि एक आदमी भी जाने के रास्ते नहीं है, पैदल रास्ता जाने के रास्ते भी नहीं है, इतनी तकलीफ हो रही है लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर को कभी बोल रहा हूँ तो मैं बोलता है कि कभी मेरा बिल पास नहीं हुआ बोलता, हाँ कभी बोलता अभी आ रहा हूँ, कभी अभी ये 15 दिन हो गया ये मैं डाल के ये सामने पिलेरा रेस करके, उसके बाद से मैं आ रहा नहीं जा रहा नहीं, सुबह के टाइम पे आ रहा तो थोड़ा पानी डाल रहा, पानी डाल के क्या कर रहा, रात में आ रहा हूँ मट्ठी डाल रहा हूँ मर रहा, फिर मैं बोला अरे मट्ठी तो भी डालो थोड़ा तो भी जगह करो, गली में पेशेंट आए लोग कैसा जाएंगे, शुगर पेशेंट आए, BP पेशेंट आए, इधर से ऑटो भी नहीं जा सकता ना, पैदल जा सकते ना कर सकते, पेशेंट को ले गया के किधर किधर से घुमा के ले जाएंगे बोलिए आप, पूरे कर लिया साहब 200 से 250 घर आए घरों के पीछे, ये गली में वो गली में पूरों को प्रॉब्लम हो रहा है ना, ऑटो जा सकता ना कुछ जा सकता था, अब इसमें क्या है, ये 5 से 6 महीने होने को आ रहा था, मेरे पास पूरे फोटो आए पूरे खोदे जब से अभी तक आ रहे ही जा रहे हैं, फिर बोल रहा कभी मैं मेरे पास भी खाना खाते थे उसके लेबर ऊबर, तो मैं बोला क्या वैसी तकलीफ है बोले तो नहीं साहब वो हमारा बिल भी पास नहीं हो रहा, उस वास्ते भी ऐसा रोके बोल रहे, कभी बोल रहा है फिर काटेदान में काम चल रहा साहब, वो काटेदान का इधर का इधर एक करते बोल के बोल रहे, बहुत तकलीफ हो रही साहब, 6 महीने से किराया कहाँ से ला के दूंगा मैं, 75,000 रुपये किराया होटल का कहाँ से ला के दूंगा साहब, होटल का हालत देखो, एक आदमी पैदल आने के वास्ते राजी नहीं है, बहुत बड़ी तकलीफ हो रही साहब, मेरे जेब से दे रहा हूँ, ओनर को तो किराया देना ही पड़ता, बगैर ओनर के किराया तो लेता ही नहीं, आज नहीं कल तो देना पड़ता, ये महीने महीने तो कहाँ से लाके देंगे साहब, एक तो लॉकडाउन में पूरा बंद था, लॉकडाउन में काम नहीं करे स्टार्ट, अगर लॉकडाउन में काम कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब कोई भी नहीं था, वो लॉकडाउन जैसा होते ही खत्म होते ही ये चालू होते ही फिर क्या करें आज के खोलना शुरू करें, हम बार बार बोले कि भाई नको तो नहीं नहीं साहब 1 महीना 1.5 महीने के अंदर हो जाता आपको मैं कंप्लीट करके देता हूँ, बोले आज 5 से 6 महीने हो गया भाई, ये हालत है देखिए। मोबाइल्स की नई दुनिया सेल वर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजवी दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड, अब चार मीनार पर एक नए शोरूम का आगाज, बेहतरीन मोबाइल्स और एसेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम, शहर में सेल वर्ल्ड के 17 आउटलेट्स 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ, पसंद आप सबकी सेल वर्ल्ड।